रेडियो झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। FR वेलफेयर सोसाइटी प्रवासी मजदूरों के लिए कर रही है नेक कार्य। पलामू जिले के रेहला थाना अंतर्गत डड़िला करबला चौक के समीप FR वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ईद की नमाज घर घर अदा करने के बाद देश के विभिन्न राज्यों से लौट रहे प्रवासी मजदूरों के लिए फूड पैकेट, तरबूजा, नाश्ता एवं पानी बोतल का वितरण शिविर लगाकर किया। गौरतलब है कि FR वेलफेयर सोसाइटी के वितरण शिविर का शुभ आरंभ रेहला थाना प्रभारी लालजी यादव ने फीता काट कर किया। थाना प्रभारी लालजी यादव ने डेली न्यूज झारखंड को बताया कि ये एक मानवीय पहल है कि आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है। जो असहाय हैं, जिनको भोजन पानी जो दिहाड़ी मजदूर थे नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, तो आपके ये वेलफेयर कमेटी के द्वारा जो भी हो रहा है बहुत बेहद सराहनीय काम। मानवता एक धर्म है और इस धर्म का अनुपालन सारे लोगों को मिलकर करना चाहिए। ईद का नमाज शांतिपूर्ण रूप से हुआ, सारे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए अपने अपने घरों में रहकर नमाज किए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने प्रशासन का बहुत सहयोग किया है इस परिस्थिति में, इसके लिए भी मेरे तरफ से और प्रशासन की ओर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मौके पर FR वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा रेहला थाना प्रभारी लालजी यादव को शॉल देकर सम्मानित भी किया गया। FR वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों ने बारी बारी से बताया कि आज ईद की नमाज अदा की गई और ये जो प्रवासी मजदूरों के लिए जो आप लोगों ने इंतज़ाम किया है उसमें क्या क्या इंतज़ाम है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो भी दिशा निर्देश आया है उसका हम लोग 100% पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोगों ने 5 सदस्य मिल करके नमाज ईद अदा की गई। साथ ही साथ वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से हम लोगों ने प्रवासी मजदूरों के लिए या गरीब असहाय के लिए पूर्व से भी हम लोग राशन का वितरण करते चले आ रहे हैं और आज हम लोगों ने सादगी से ईद मनाया है। इसी सादगी में हम चाह रहे हैं कि हमारे सारे मजदूर इसी सादगी में जब हैं तो हम लोग इसी सादगी में रहें। उन मजदूरों के लिए हम लोगों ने खाना का व्यवस्था किया है, तरबूज है, पानी है, जितना हो सकेगा हम लोग मदद कर रहे हैं और हमारे तमाम सोसाइटी के जितने मेंबरान हैं हौसला के साथ इस सोसाइटी में मदद किया है। अगर इसी तरह का हौसला इन लोगों को देते रहेंगे तो हम और आगे भी इसी तरह का कार्यक्रम चलाते रहेंगे जो समाज हित में होगा। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी सोसाइटी की टीम ने इस लॉकडाउन में कितना लोगों को जागरूक करने का भी काम किया है। जी हाँ, लगभग हम लोगों से जितना बना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों का हम जागरूक करने का भी काम किए हैं और किसी को हम लोग भूखा न सोएं ये इरादा के साथ हम लोग काम किए हैं और आगे भी इसी तरह से हम लोग काम करते रहेंगे ताकि इस महामारी से हम लोग इस युद्ध को जीत सकें। एक बार पुनः आपका परिचय बताइए। मेरा नाम असमुद्दीन अंसारी हुआ, सोसाइटी के एक छोटा सा मेंबर हम भी हैं। हमारे सारे सोसाइटी के मेंबर ने जो हौसला दिया है, तमाम सोसाइटी के मेंबर को तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और सबको इसकी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहते हैं। क्या कर रहे हैं आज? आज हम लोग प्रवासी मजदूरों को जिनको रास्ते में बहुत परेशानियां उठानी पड़ रही हैं उन लोगों के लिए हमने अपने खाने का व्यवस्था किया है। हम लोग जो नौजवान कमेटी जो वेलफेयर सोसाइटी बनाया है इसके तहत अपने जब भी मजदूरों को जो प्रवासी जो हैं बहुत परेशान हाल हैं, इन लोगों को देख करके दिल बहुत रोता है। इन लोगों के लिए हम लोगों ने एक छोटा सा भेंट देने के लिए कोशिश किया है। उन लोगों को भर पेट भोजन करा करके और उनको अच्छे तरीके से यहाँ से विदा करने की हमने कोशिश की है और यहाँ के जितने भी नौजवान सदस्य कमेटी के सदस्य हैं उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से साथ दिया है और बहुत समाज के सभी दबे कुचले या मजदूर लोग जो प्रतिदिन कमाते थे खाते थे उन लोगों के लिए भी हम लोगों ने बेहतर व्यवस्था करने की कोशिश की है और उन तक खाना जो भूखे ना सोए उन तक हम लोगों ने सूखा राशन पहुँचाने की कोशिश की है। एक बार पुनः परिचय बताइए। मेरा नाम इस्लामुद्दीन है, डंडीला कला का रहने वाला हूँ। ईद के लिए हम लोगों ने सोचा कि भाई आज जो प्रवासी मजदूर हैं उनके बीच हम ईद मनाएँ, उनके बीच वितरण करके जो भूखे आ रहे हैं, परेशान हैं, जो खाना नहीं खा रहे हैं, अपने सोसाइटी के माध्यम से बैनर तले हम चाहें कि इनके साथ खिदमत करके अपना दिन, अपना ईद मनाएँ। यह डंडीला कला के माध्यम से एक सोसाइटी है उसके बैनर तले हम लोग सोचे कि ईद का मुबारकबाद जो हमारे झारखंड में जो प्रवासी मजदूर हैं जो भूखे हैं, प्यासे हैं और उनको
खाना पानी और फल वगैरह दे करके हम लोग अपना ईद का जश्न मना रहे हैं। चलिए बहुत बताते चले कि FR वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा लॉकडाउन के पहले दिन से ही गरीब असहाय जरूरतमंदों के बीच लगातार राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है और जब तक लॉकडाउन जारी रहेगा FR वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले गरीब मजदूर जरूरतमंद लोगों को राहत सामग्री घर घर पहुंचाया जाएगा। मौके पर असमुद्दीन अंसारी, इस्लामुद्दीन अंसारी, अमीन अंसारी, इंजीनियर अख्तर, MD आलम अंसारी, डॉक्टर नजरुल हक, मंजर अंसारी, HDFC खालिद खलीफा, साविर अंसारी, यावर अंसारी, डॉक्टर कलाम अंसारी, सोहेल अख्तर, वार्ड पार्षद निजाम नूरी सहित कई अन्य लोग उपस्थित थे। कोरोना वायरस को लेकर डेली न्यूज झारखंड परिवार भी आपसे लगातार अपील कर रहा है कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के गाइडलाइन का पालन करें, जिला प्रशासन को सहयोग करें, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में न जाएं, अपने अपने घरों के अंदर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने आस पास के लोगों को भी सुरक्षित रखें। तो ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डेली न्यूज झारखंड यूट्यूब एवं माँ उग्रतारा नेटवर्क के चैनल नंबर 130 पर। हमारे चैनल यूट्यूब फेसबुक पर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को क्लिक करना भी ना भूलें, साथ ही साथ लाइक शेयर भी करें। धन्यवाद।